दोस्तों, कोई एक ऐसा दिन नहीं जा रहा है जब कोविड केसेस को लेकर के डरावने वाले फिगर्स नहीं आ रहे हैं। बहुत ही डराने वाले। मैं ऑब्वियसली बात करूंगा स्कूल्स कॉलेजेस से जुड़े हुए केसेस की, ठीक है। कुछ फिगर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। 78 स्टूडेंट्स 31 टीचर्स केसेस जो है वो निकले ओनली इन पंजाब। महाराष्ट्र में वाशिम की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा हॉस्टल को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया, जहां पे 229 स्टूडेंट्स जिसमें 4 टीचर्स भी शामिल हैं कोविड पेशेंट्स पाए गए, ठीक है। आज सुबह जो मैंने आपको अपडेट दिया था हरियाणा का, जहां पर 629 स्टूडेंट्स और 14 टीचर्स का जो बॉडी टेम्परेचर था वो 100 से ऊपर था। कितने डराने वाले ये फिगर्स हैं, वी कांट एक्सप्लेन यू पीपल। अब यहां पे बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं कि आफ्टर ऑल हम लोग किस दिशा में बढ़ने का सोच रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर के महासंग्राम छिड़ा हुआ है। गाइस, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको देंगे, वीडियो के अंत तक रहना है, स्किप नहीं करना है। पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्लस लेटेस्ट अपडेट्स चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या कोई भी बोर्ड, हम आपको देते हैं। तो गाइस, यहां पे एक बड़ा सवाल निकल करके आ रहा है। दिल्ली ने अपने यहां पर जो एग्जाम्स है वो रद्द किया क्लास 8 तक का, और नो डिटेंशन पॉलिसी को यूज किया। अब यहां पे सवाल आता है कि नो डिटेंशन पॉलिसी क्या पूरे अदर जो स्टेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, क्या वहां यूज नहीं किए जा सकते? क्योंकि नो डिटेंशन पॉलिसी को यूज करते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि जो एग्जाम्स हैं वो नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क्स, असाइनमेंट्स, ये सब के बेसिस पे बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि क्लासेस सही से नहीं हुआ। अब यहां पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि दिल्ली सरकार कहती है कि भाई सही से क्लासेस नहीं चला तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं नो डिटेंशन पॉलिसी। सो आर यू श्योर कि भाई जो क्लास 9, 10, 11, 12 है दिल्ली के, अभी मैं दिल्ली की बात कर लेता हूं, वहां पे सही से क्लासेस चले, इसका एश्योरेंस कौन लेगा? क्योंकि बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है स्कूलों को, सरकारों को। ऑल ओवर इंडिया में अगर हम बात करें तो बहुत सारे जगह से ये चीजें निकल करके आ रही हैं। अब से कुछ 2-3 घंटा पहले मैंने आप लोगों के साथ में एक लाइव वीडियो फुटेज शेयर किया था, जिसमें आपने देखा कितना बड़ा ग्रुप ऑफ पेरेंट्स जो था, बहुत बड़ा संख्या में जो गार्जियंस थे, पेरेंट्स थे, वो स्कूलों के बाहर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे ऑफलाइन एग्जाम्स का। स्टूडेंट्स ऑफ 6 to 12, मुझे पता है कि आपको ढेरों कंफ्यूजन होंगे अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, लेकिन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गाइज, अनअकैडमी ने लॉन्च किया है अ न्यू फीचर, आस्क ए डाउट। उसको यूज कीजिए और इंस्टेंट आंसर पाइए। जो भी क्वेश्चंस आपके क्वेरीज हैं आपको इंस्टेंट आंसर मिलेगा 24/7, यानी कि आप किसी भी वक्त अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डेमो करके बताता हूं कि आप किस तरह से ये फीचर को यूज कर पाएंगे। तो बच्चों, इस यूनिक फीचर आस्क ए डाउट को यूज करने के लिए सबसे पहले करना होगा आपको डाउनलोड या अपडेट अनअकैडमी ऐप को। उसके बाद कीजिए सेलेक्ट गोल, देन सेलेक्ट क्लास, और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है लैंग्वेज, जो कि हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी हो सकता है। देन स्क्रॉल टू आस्क ए डाउट फीचर, उसके बाद एंटर कीजिए मेरे कोड विशाल KR को, और अब आप बिल्कुल तैयार हैं। सिर्फ लीजिए एक पिक्चर उस क्वेश्चन को जिसके बारे में आप आंसर जानना चाहते हैं, या आप इसे चुन सकते हैं गैलरी से, क्रॉप कीजिए इस क्वेश्चन को और अपलोड या कीजिए सबमिट। और बस एक लास्ट स्टेप, कीजिए सेलेक्ट जिस सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। फाइनली गेट द सॉल्यूशन इन योर प्रिफर्ड लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मिलेगा आंसर। और ये है आपका यूनिक फीचर अनअकैडमी आस्क ए डाउट, तो जरूर इसे यूज कीजिए। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और उनका कहना था, जो कि वाजिब भी है, कि ये एग्जाम्स अगर कंडक्ट किए जाते हैं तो आफ्टर ऑल कितने दिन कंडक्ट किए जाएंगे? 14-15 दिन, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो पेरेंट्स का सवाल था, जो कि बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, कि ये सिर्फ 14-15 दिनों के लिए क्या स्टूडेंट्स को जबरदस्ती स्कूल करना जरूरी है, जबकि कोविड का नया स्ट्रेन जो है वो देखने के लिए आ चुका है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो 31 मार्च तक वहां पर लॉकडाउन को फर्दर बढ़ा दिया गया है। अगर हम पुणे की बात करें तो वहां पे सीधा सीधा कह दिया गया है 14 मार्च तक वहां लॉकडाउन लगा दिया गया। अब अगर और इससे ज्यादा मैं आगे आपका बोलूं तो महाराष्ट्र में तो यहां तक बोल दिया गया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस जो है, लोकल प्रशासन, वो खुद से फैसला लें कि स्कूल्स खोलना है कि नहीं खोलना है। अब यहां पे बहुत ज्यादा अनफेयर वाला सिचुएशन नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे शायद डिस्कशन होना चाहिए, वरना ये कहीं ना कहीं एक रिलेशन, एक बहुत ही सुंदर रिलेशन जो कि स्कूल, गार्जियंस और स्टूडेंट के बीच में होता है,
वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है इन सारे चीजों के बीच में। बच्चों का पढ़ाई हैम्पर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बच्चे मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर है बच्चों के बीच में, और बच्चे जैसे हमें ही अगर मैं अपना अगर बात करूं तो इतने सारे मैसेजेस मेरे पास में बच्चे शेयर कर रहे हैं स्कूलों का, अपने क्लासेस का, और बच्चों का स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आरोप है कि भाई जो SOPs है वो प्रॉपर वे में स्कूलों में फॉलो नहीं किया जा रहे हैं सिवाय एंट्रेंस गेट को छोड़ करके। मतलब एंट्रेंस गेट तक में सारे नॉर्म्स रहते हैं, अंदर घुसते ही सारे चीजें धराशायी हो जाती हैं, एक ही बेंच में दो दो तीन तीन बच्चे बैठाए जा रहे हैं, एक के पीछे एक भी बैठाए जा रहे हैं, मतलब जो SOP है, गाइडलाइंस है, उसका बिल्कुल धज्जा उड़ाया जा रहा है, ऐसा कोई फॉलोअप नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा इश्यूज है जिसपे कि मेरे ख्याल से सोचना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है 9, 10, 11 को जनरल प्रमोशन दे करके, वहीं ऑनलाइन एग्जाम्स के फेवर में उड़ीसा और झारखंड सरकार ने भी अपना सहमति बहुत पहले ही दे दिया, दिल्ली ने भी क्लास 1 से 8 तक का अच्छा फैसला लिया है। अब ये सवाल उठता है कि क्या हम और ज्यादा रिस्क लेना चाहेंगे अदर स्टेट्स में भी, या महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जहां पे कोविड के केसेस पर डे हर दिन की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा जा रहे हैं, 8,000, 7,000, 6,000 इस टाइप के केसेस जा रहे हैं, तो क्यों हम इसका इंतजार करें? व्हाई नॉट हम ये करें कि भाई बच्चों को थोड़ा रिलीफ दिया जाए, उनका इंटरनल असेसमेंट किया जाए, प्रोजेक्ट वर्क्स असाइनमेंट्स वगैरह दे दिया जाए, और उसके बेसिस पे इस सेशन में कम से कम उनको जनरल प्रमोशन या प्रमोशन दिया जाए, और उनको फर्दर नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार किया जाए मेंटली कि भाई अब आपको पढ़ना है, चलो ये सेशन में आपके क्लासेस के प्रॉब्लम थे तो हमने आपको ऐसा मार्क्स दिया, ऐसा सब कुछ किया और आपको पास कर दिया, ठीक है, अब आगे वाले सेशन में किस तरह से हम फेस करेंगे इसके लिए मेरे ख्याल से बच्चों को तैयार करना चाहिए। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो कुछ मैंने बात उठाया, इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क्स, असाइनमेंट्स, इससे आप सहमत हो कि नहीं हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे आप स्कूल से रिलेटेड हो, खुद आप स्कूल रन करते हो या टीचर्स हो, व्हाटएवर, आप लोग मुझे बताइए कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, यह आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपके साथ में लगातार बने रहेंगे, आपको भी बने रहना है हमारे साथ में, लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में हम आते रहेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, जय हिंद, जय भारत।